मध्य प्रदेश कैडर की आईपीएस अधिकारी अनुराधा शंकर द्वारा अफ्रीका में गांधी जी पर दिया गया भाषण इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। उल्लेखनीय है कि अनुराधा शंकर प्रसिद्ध कवि नागार्जुन की पोती हैं और नागार्जुन जन कवि के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। महात्मा गांधी के 150वें वर्ष के मौके पर दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स आश्रम में भी 3 दिन की अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। इसमें मध्य प्रदेश कैडर की आईपीएस अधिकारी अनुराधा शंकर ने भी हिस्सा लिया। 3 से 5 अक्टूबर तक चली संगोष्ठी में दुनिया भर के गांधीवादी चिंतक तथा विचारक भी शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि इसी आश्रम में रहकर गांधी जी ने ब्रिटिश हुकूमत के जुल्मों के खिलाफ सत्य और अहिंसा के बल पर जंग लड़ी थी। अनुराधा शंकर ने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि किस तरह से बा और बापू महात्मा गांधी तथा उनकी धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी ने एक दूसरे के जीवन को प्रभावित किया, दक्षिण अफ्रीका ने किस प्रकार उनके दाम्पत्य जीवन को नया आकार दिया। उन्होंने कहा कि बा और बापू का दाम्पत्य जीवन विचारकों के लिए सदैव से शोध का विषय रहा है। अनुराधा शंकर ने कहा कि बापू ने एक बार कहा था कि बा उनके लिए अहिंसक असहयोग की कला और अभ्यास की शिक्षिका बन गई है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.